हेलो नमस्कार, क्यूरियस रेसिपीज में आप सबका स्वागत है। आज हम गुजरात की फेमस मिठाई हलवासन बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये मिठाई कितनी स्वादिष्ट लग रही है और ये सच में बहुत स्वादिष्ट बनी है। तो आज हमारे क्यूरियस रेसिपी चैनल के 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, तो उस खुशी में आज हम ये मिठाई पेश कर रहे हैं। खुशी चाहे कैसी भी हो, छोटी हो या बड़ी हो, पर हम मिठाई खाने का बहाना तो ढूंढते रहते हैं। तो आज ये मिठाई उन मिठाई लवर्स के लिए है जो मिठाई खाने का मौका ढूंढते रहते हैं। इस मिठाई को हमने दलिया, गोंद और चीनी को कैरेमलाइज करके बनाया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है, रेसिपी को पूरा अंत तक देखिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि न्यू रेसिपीज के अपडेट आप तक सबसे पहले आ जाएंगे। तो चलिए ये मजेदार सी मिठाई बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक पैन में आधा कप घी लेना है। ये जो कप है ये 60 ml का कप है। घी गरम होने के बाद इसमें 1/4 कप गोंद डालना है। इसे मध्यम आंच पे ही फ्राई करना है। 1 से 2 मिनट के बाद ये अच्छे से फूल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से सारा गोंद फूल गया है। इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। तो ये सारा गोंद मैंने निकाल लिया है। साथ ही जो पैन में घी बचा हुआ है उसमें से थोड़ा घी कम कर दिया है। बाद में अगर घी कम पड़े तो हम उसमें घी डाल सकते हैं। तो आप भी थोड़ा सा घी इसमें से कम कर ले। अब ये 1/4 कप दलिया को मिक्सर में ग्राइंड करके लिया है। इसे घी में डाल के मध्यम आंच पे ही फ्राई करना है। इसे लगातार चलाते जाए। 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये सुनहरा हो गया है। अब हम इसमें 1 लीटर बॉईल किया हुआ दूध डालेंगे। तो ये मिठाई बनाने के लिए आप फुल फैट मिल्क भी ले सकते हैं या जो मिल्क आपके पास अवेलेबल है वो ले सकते हैं। मैंने इसमें फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल किया है। इसे चलाते जाना है, हो सके तो गैस का फ्लेम बढ़ा के इसे बॉईल करना है। लगातार चलाते जाए। दस मिनट के बाद आप देख सकते हैं दूध हल्का सा गाढ़ा हो गया है। तो इस मिठाई में जो दूध डालते हैं तो ये कर्डल हो जाता है, लेकिन अभी तक ये जो दूध है ये कर्डल हुआ नहीं है। अब देखते हैं आगे हो सकता है। जब ये दूध हल्का सा गाढ़ा हो जाए तो इसमें फ्राई किया हुआ गोंद डालना है। साथ ही इसमें 2 बड़े चम्मच बादाम डाले, 2 बड़े चम्मच काजू डालना है, 2 बड़े चम्मच पिस्ता डालना है। तो इन्हें मैंने दरदरा सा कूट लिया है। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसे बॉईल करते रहना है जब तक कि दूध पूरा सूख नहीं जाता। तो इसके लिए 20 से 25 मिनट लग सकते हैं। तो इसे मैंने दूसरे गैस पे शिफ्ट कर दिया है और इस पे कढ़ाई रख के इसमें 150 ग्राम चीनी डालना है और इसे मध्यम फ्लेम पे लगातार चलाते जाए। आप देख सकते हैं चीनी पिघलना शुरू हो गई है। इसे लगातार चलाते जाएं। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे तो ये चीनी अच्छे से पिघल गई है। बीच बीच में जो हमने दूध रखा है उसे भी चलाते जाना है। इसे लगातार चलाते जाना है जिससे कि सारी चीनी अच्छे से पिघल जाएगी। तो चीनी अच्छे से पिघल गई है। अब हम जो दूध बॉईल हो रहा था वो देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो दूध है ये कर्डल हो गया है, मतलब कि फट गया है। अब इसमें ये जो कैरेमलाइज शुगर है ये डाल देना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मध्यम आंच पे इसे चलाते जाना है। आप देख सकते हैं ये मिठाई गाढ़ी होना शुरू हो गई है। इसमें घी की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। इसे लगातार चलाते हुए दूध को पूरा सुखा लेना है। इस स्टेज पे हम इसमें 1 छोटा चम्मच जायफल का पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर डालना है। इससे ये मिठाई का स्वाद बहुत अच्छा आता है। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके धीमी आंच पे पकाना है। आप चाहे तो आंच को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं जिससे कि ये थोड़ा सा जल्दी सूख जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये मिठाई जो दूध था वो अच्छे से सूख गया है। फिर भी इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएं।
तो ये हमारी मिठाई तैयार हो गई है। ये चेक करने के लिए आप इसे थोड़ा सा एक कटोरी में निकाल ले, हल्का सा ठंडा होने दे। ये ठंडी हो गई है तो आप देख सकते हैं इसको मैंने शेप दिया है लड्डू का गोल, इसको मैंने गोल शेप दिया है, हल्का सा दबा भी दिया है, इसका अच्छे से शेप आ रहा है, इसका मतलब ये मिठाई तैयार है। इसे ठंडा कर ले, अब इसकी मिठाई बनाना शुरू करते हैं। तो इसे हाथों में इस तरह से थोड़ा थोड़ा लेके लड्डू का शेप देना है। आप जैसे चाहे इसका शेप दे सकते हैं, या तो फिर प्लेट में डाल के इसे बर्फी के जैसे सेट करके कट करके भी ले सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा और जैसी आपकी पसंद हो आप इसे शेप दे सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा फ्लैट शेप अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने इसको राउंड में फ्लैट कर दिया है। ऊपर से पिस्ता से इसे गार्निश किया है, दिखने में ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मिठाई, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आया है, खाने में ये बहुत स्वादिष्ट। ये मिठाई आपको इतनी स्वादिष्ट लगेगी कि आप इसे हमेशा बनाओगे। इसे आप पंखे के नीचे या तो फिर आधे घंटे के लिए फ्रिज में सेट करने के लिए भी रख सकते हैं। इसी तरह से मैंने सारी मिठाई बना के तैयार कर ली। तो ये देख सकते हैं आप कितनी स्वादिष्ट ये मिठाई लग रही है, देखते ही मुंह में पानी आ गया ना। तो इस मिठाई को बना के मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये आपको कैसी लगी। इस मिठाई को जरूर ट्राई कीजिए, रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।